एनडीए पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, एक बड़ी पार्टी है एनडीए की, 16 लोकसभा के सांसद हैं उसके, राज्यसभा में 6 सांसद हैं। इतनी बड़ी पार्टी का अलग होना सरकार से, और कहीं ना कहीं अब एक इशारा ये भी है कि हो सकता आने वाले दिनों में एनडीए से ही वो पार्टी अलग हो जाए, एक चिंता की बात है? दुर्भाग्यपूर्ण है सारा घटनाक्रम। यद्यपि जो उनकी स्पेशल स्टेटस की मांग है वो सही है, क्योंकि बिहार में जब बिहार का डिवीज़न हुआ था तो सारे संसाधन झारखंड में चले गए थे। उस समय हमें भी आश्वासन दिया गया था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि नीतीश कुमार जी के और वर्तमान और पुराने एनडीए के लगातार आग्रह के बाद कई तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर मिली है। वैसा ही मामला आंध्र प्रदेश का था, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री इस्तीफा देकर के सरकार से बाहर आ गए। बिहार की भी मांग, आंध्र प्रदेश की भी मांग, मंशा नहीं है स्टेटस देने की या मजबूरी है सरकार की? मजबूरी ज़्यादा दिखती है, चूँकि जो एनडीए पहले वाला था उसमें बीजेपी भी हमारे साथ शामिल थी, और वो भी स्पेशल स्टेटस की डिमांड हमारे साथ करती थी। इसलिए सरकार की फाइनेंशियल मजबूरी हो सकती है, लेकिन राज्यों पर जो विकास का दबाव है उसके रहते बिहार भी और आंध्र प्रदेश भी बगैर केंद्र की मदद के आगे नहीं बढ़ सकता। त्यागी जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि शिवसेना ने पहले ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वो अलग लड़ेंगे, बार बार और कई बार वो नाराज़गी जता चुके हैं। टीडीपी ने अपने मंत्रियों को बाहर करने का फैसला किया है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के मंत्री बाहर आ गए सरकार से, राज्य सरकार से। ऐसे में विपक्ष जब लामबंद की होने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं 2019 के संदर्भ में देखें तो रास्ता कठिन हो सकता है? रास्ते में उतनी कठिनता मुझको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि विपक्ष भी लामबंद होगा एक व्यक्ति के नेतृत्व में, ऐसा असंभव है। उसमें टीडीपी भी, टीआरएस भी, बीजेडी भी, इवन टीडीपी भी बहुत बड़ी बाधक होंगे, और जो राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने जिस तरह से मोर्चा संभाला है नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गठबंधन का, वो भी कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी एनडीए को अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजोल्व करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि 2019 का रास्ता और सुगम हो सके। आपने एक बड़ी ज़रूरी बात कही, एनडीए को प्रयास करने चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी की होती है। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण लोग आज भी देते हैं कि इतने दलों को साथ लेकर चलना और सफलतापूर्वक साथ लेकर सरकार में चलना, कहीं ना कहीं सबक नहीं सीख पा रही बीजेपी, या कहीं ना कहीं कोशिश में कुछ कमी रह गई? नहीं, जो वर्तमान नेतृत्व है मैं उसको अपरिपक्व नहीं मानता हूँ, वो भी परिपक्व नेतृत्व है। ये सही है कि अटल जी के समय जैसी उदारता और समरसता आज नहीं दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर ये मामला सुलझ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो केसी त्यागी जी का कहना है कि एनडीए को अपने मतभेद सुलझाने चाहिए, और उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।